हाँ जी बेटा, लेट अस डू द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ द इक्वेशन 1xx x1x x x1 प्लस 1 minus x 1 1 1 1 minus x 1 1 1 1 minus x equal to 0, then the value of x power 207 plus x power minus 207 जो है, that is equals to, इसकी वैल्यू क्या है ये कैलकुलेट करना है. अब बेटा देखिए क्या करेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए. इसकी ऑप्शंस दी हुई है मुझे. ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन मेरे पास जो है दैट इज -1, सी ऑप्शन मेरे पास जो है -2, और डी ऑप्शन मेरे पास जो है बेटा दैट इज 2. अब क्या करें बेटा, 100% इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को ओपन करें, एक्सपैंड करें. जब मैं एक्सपैंड कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर साथ साथ क्या आ रहा है बेटा, देखो एक्सपैंड करने पे 1 और ये आएगा 1 minus x square माइनस एक्स एक्स. यहां पर देखिए ये और ये गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. समय अंक आगे आ जाए बेटो. हाँ जी, नेक्स्ट मेरे पास एक्स और क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. ये पहले डिटर्मिनेंट का ओपन किया, अब दूसरे का ओपन करने लगी हूं तो मेरे पास क्या होगा देखो. व्हाट आई विल गेट हियर, 1 minus x ये और ये गया तो 1 minus x square minus 1. ओके बेटा, देन माइनस वन ये और ये गया तो मेरे पास 1 minus x minus 1. अब आगे प्लस 1 ये और ये गया तो आंसर क्या आएगा 1 minus y minus x मेरे पास. 1 माइनस करूंगी तो साइन चेंज, तो दैट इज इक्वल टू 0. अब इस सारे को सॉल्व कीजिए. जब आप सॉल्व करोगे तो लेट अस डू. हाँ जी, क्या बचेगा मेरे पास, 1 minus x square minus x square plus x cube. हाँ जी, x cube minus x square. नाउ नेक्स्ट यहां पर ओपन करूंगी बेटा ब्रैकेट. हाँ जी, चाहे आप पहले सॉल्व कर लो फिर ओपन कर लो, आप पे डिपेंड करता है. तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया, अगर मैं देखूं व्हाट आई विल गेट हियर, 1 minus x a square. जब करूंगी 1 का स्केयर और 1 का स्केयर कैंसल हो जाना है, ठीक है, x square minus 2x ये बचेगा सर. अब उसके बाद बेटा यहाँ पर 1 and 1 कैंसल प्लस एक्स, और यहाँ पर 1 और 1 कैंसल प्लस x इक्वल टू 0. नाउ सॉल्व इट. अगर कोई कटती है मेरे पास, अभी तक x square मेरे पास जो है कितनी पहुंची है, दैट इज 1 minus 3x square और x cube 2. अब नेक्स्ट मेरे पास x plus x 2x. अब इसको ओपन कर रही हूँ मैं, जब ओपन करूंगी x square minus 2x देन -x cube plus 2x इक्वल टू 0. अब बेटा देखिए मेरे पास सबसे पहले एक्स क्यूब कितना बचा, मेरे पास एक ही बचा, x square मेरे पास
एक ये और ये माइनस टू एक्स स्क्वायर आफ्टर देन बेटा मेरे पास एक्स वाली टर्म्स ये और ये कट गई क्या बचा मेरे पास हाँ जी चेक कर लीजिए कोई एक्स्ट्रा टर्म ना लिखी गई हो हमारे से दो लिखे हाँ जी बिल्कुल टू एक्स स्क्वायर आएगा ये गड़बड़ी हो गई हमारे से मैंने देख लिया बेटा चलो यहाँ तक तो ठीक ही था ना हमारा तो अब हम देखते हैं मेरे पास जो गए अगर टू एक्स स्क्वायर गया तो ये भी कट गया है ना तो प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन बेटा ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस वन हो तो एक्स की वैल्यू मेरे पास जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है दैट इज एक होती है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और एक होती है माइनस वन ये तीन होते हैं अब हमने इन तीनों में से कौन सा लेंगे क्योंकि हमने रियल वाला ही लेना होता है इमेजिनरी नहीं लेना होता तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस वन अब जो माइनस वन है इसमें पुट करेंगे ये कैलकुलेट करना है ना तो माइनस वन की पावर ऑड है माइनस वन बचेगा अगर चाहे माइनस वन की पावर ऑड है नेगेटिव की तरह रहना तो माइनस वन ही है आंसर इज माइनस टू ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन चलिए नेक्स्ट मेरे पास हो गए क्वेश्चन देखिए ध्यान से व्हाट दे हैव रिटन हियर एंड नाउ आई एम रबिंग दिस क्वेश्चन क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशंस थी अब देखिए बेटा अगर f ऑफ x जीरो x माइनस a मेरे पास x माइनस b हाँ जी x प्लस a जीरो x माइनस c x प्लस b x प्लस c और जीरो देन फाइंड उसने कहा ऑप्शंस कौन सी ट्रू है f of a जीरो f of b जीरो f of c मेरे पास f of जीरो जीरो और d ऑप्शन मेरे पास हो गए दैट इज f of वन जीरो एक मेथड है आप पहले क्या करो बेटा आप इसको एक्सपैंड कर लो एक्सपैंड करने के बाद आप उसमें एफ ऑफ ए निकालो बी निकालो जीरो निकालो या वन निकालो एक मेथड क्या है पहले ही तुम पुट कर दो उससे एक्सपेंशन क्या कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी इजी हो सकती है करना तो सबको ही पड़ेगा ना तो अगर मुझे एफ ऑफ ए निकालना है उसका बेनिफिट क्या होगा मैक्सिमम जीरोस आ जाएंगे देखिए अगर मैं एफ ऑफ ए निकाल रही हूं ये क्या बन गया जीरो जीरो ए माइनस बी टू ए जीरो मेरे पास एक्स माइनस जो है ए माइनस सी हाँ जी ए प्लस बी और ए प्लस सी और जीरो ठीक है ना तो यहाँ एक्सपैंड करना इजी हो जाएगा क्योंकि ये दो जीरोज है अब यही निकालना है ना मेरे पास तो यहां से एक्सपैंड करते हैं प्लस माइनस प्लस ये और ये गया a माइनस बी और साथ में क्या आ जाएगा सिर्फ 2a माइनस a माइनस सी तो बेटा यहां पर a माइनस बी और a माइनस सी ये बचा बचा ना मेरे पास तो नहीं आ रहा जीरो यानी पहली ऑप्शन नहीं है b भी नहीं आएगी क्योंकि सिमेट्रिकल है ना तो ये भी नहीं होगी ऑप्शन देख लेना आप करके देख लो तो यानी इन दोनों में से रह गई अब इन दोनों में से एफ ऑफ जीरो निकाले अगर एफ ऑफ जीरो निकालती हूं तो मेरे पास क्या होगा देखिए जीरो माइनस ए माइनस बी ए बी जीरो जीरो सी ये कौन सी मैट्रिक्स है बता सकती हूँ ये को डायगोनल एक दूसरे के ये जो नेगेटिव के इक्वल है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। ओके अगर कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। तो मुझे टेंशन ही नहीं, थोड़ा लॉजिकली हम सोच के चले। आप कैलकुलेट भी कर लो अगर ये चीज नहीं याद है, आप एक्सपांड करके देख लो। जीरो माइनस ये प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, जीरो से खोलने की जरूरत ही नहीं थी। माइनस ए से किया जीरो और ये क्या आ गया मेरे पास प्लस बी सी, फिर इससे करेंगे ए सी माइनस जीरो, सारी टर्म्स कट जानी, आंसर जीरो आ जाए। चलूं आगे? हाँ जी, स्क्यू सिमेट्रिक हुआ ना तो मैंने इससे एक्सपैंड कर दिया बेटा। ओके जी चलूं आगे, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द डिटर्मिनेंट। फर्स्ट ऑप्शन, डिटर्मिनेंट जो है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। थर्ड, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ, नन। हाँ जी कौन सी ट्रू है? क्या पहले तो देखो, क्या डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स होती है? नहीं होती ना, डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है जो किसके साथ कोरिलेट करता है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ। तो इसमें उसने कहा सिर्फ मैट्रिक्स के साथ, बी भी नहीं हो सकता। तो फिर यही देखें, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, हमेशा डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है चाहे वो ए बी सी डी की फॉर्म में हो। अगर ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 ऐसे पुट कर दूं तो बेटा डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके क्लियर बेटा, बात समझ आ गई? तो मेरे पास हो गए, तो आंसर कितना आ गया इसका, दैट इज सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा मेरे पास है, लेट द मैट्रिक्स ए। ऑनलाइन स्टूडेंट बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, कोई रिस्पॉन्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। कल को जब एग्जाम दोगे देन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम टू यू। अगर मेरे पास लेट ए कोई मैट्रिक्स है 1 sin theta 1 minus sin theta 1 sin theta minus 1 minus sin theta 1, theta is greater than equal to 0, less than equal to 2 pi, then mere paas determinant of A 0 ke equal, determinant of A belongs to 2 to infinity, ये आपकी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू 2 to 4 विद क्लोज्ड ब्रैकेट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना सबसे पहले एक्सपैंड करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात हो रही है तभी आप कोई वैल्यू को जज कर सकते हो। तो इसको एक्सपैंड करोगे डिटर्मिनेंट ए के लिए, अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम क्या करें एक्सपैंड कर दें। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए डायगोनल क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। देखो यहाँ जीरो नहीं है ना डायगोनल एलिमेंट्स, स्क्यू सिमेट्रिक होता है डायगोनल एलिमेंट जीरो होते तो मैं सीधा कहती डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो, पर यहाँ
आपको लग रहा है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, बट बेसिकली ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि बाकी तो नेगेटिव है लेकिन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो नहीं है. ओके, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ओपन करते हैं. मेरे पास एक्सपैंड किया ये और ये गया वन, मेरे पास प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अगला माइनस साइन थीटा. हाँ जी, ये कॉलम और ये रो गए माइनस साइन थीटा और प्लस साइन थीटा, ये जीरो हो जाना है. फिर वन से किया ये और ये गया, तो मेरे पास क्या आया, वन से माइनस प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन. ओपन कर ले, जब ओपन किया तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो कट ही गया, जीरो ही हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू, टू कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन. मेरे पास हो गया डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई है ये. अब बेटा एंगल उसने दिया है जीरो से लेकर टू पाई तक, यहां पर दिया हुआ ना, दे आर मेंशनड हियर. मैं ऑप्शन रब कर देती हूँ ताकि आपको सॉल्विंग, अगर आपको पता है थीटा जो है वो जीरो टू टू पाई के बीच में लाई करता है, तो यू नो दिस वेरी वेल, साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, लेस देन इक्वल टू वन. मैंने फंक्शन क्या बनाना है, साइन स्क्वायर जो है मेरे पास प्लस वन, तो मैं स्केयरिंग करूंगी, जब मैं स्केयरिंग करूंगी तो मेरे पास सॉरी वन हो गया. अब क्या करूंगी, वन ऐड करूं, जब मेरे पास वन ऐड किया ये क्या हो गया टू. अब सारे को क्या करना है, टू से मल्टीप्लाई टू, तो 100% आंसर कौन सा आया कि ये वैल्यू, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ए. वो किसको बिलोंग कर रहा है, मेरे पास टू टू फोर. ये चीज जरूर याद रखा करो, जब भी आप स्केयरिंग करते हो ना, स्केयरिंग में जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो वैसे स्केयरिंग करो तो आपको लगता है इधर वन और इधर भी वन, ऐसे नहीं ना हो सकता. स्केयरिंग जब भी हम करते हैं अगर नेगेटिव उस तरफ है तो वो हमेशा जीरो से बड़ा हो जाता, वो नेगेटिव वाला छोड़ देते. ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली बच्चों को नहीं याद होता. ओके क्लियर, तो दैट मीन्स जो हमारे पास जो भी ऑप्शन हमने लिखी थी, आई थिंक डी ऑप्शन लिखी थी इसके लिए, तो दैट इज ट्रू. ठीक है जी, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपने यहां देख लो, इसमें प्लस वन की लीनियर इनइक्वालिटी या आपकी डोमेन रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक पर बेस्ड और डिटर्मिनेंट भी आ गया सारा कुछ, ठीक है ना, तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, कैसे कैलकुलेट करें. सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या निकालना है, सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या निकालोगे, किसकी, हाँ जी डिटर्मिनेंट की नहीं, यस एक्स की, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करो. डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो दिया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करो. सॉल्व करना आता है कि नहीं, एक्सपैंड बाय एनी रो और एनी कॉलम, जल्दी कीजिए सभी. हाँ जी रसिका, कैलकुलेट कर लिया रसिका, यस मैम, कैलकुलेट करके बताइए एक्स की कितनी वैल्यू आई है,
लक्षित, महक, फतेह, जल्दी जल्दी निकालिए, शाबाश। हाँ जी, ऑल ऑफ यू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन, आई एम राइटिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बेटा। देख लो, इतनी देर अगर आप एक क्वेश्चन को लगा रहे हो तो दैट मींस कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करोगे पेपर में। जल्दी बेटा, इतनी देर में तो मुझे लगता है मेरे से ज्यादा जल्दी आपका होना चाहिए। इतना टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को, आप मेरे से पहले स्टार्ट कर रहे थे। मल्टीप्लाई कीजिए, 6x मेरे पास जो है -2x² +6x मेरे पास, पहले इसको देख ले, तो ये बनेगा 5x -5, मैंने ये चेंज कर दिया, ये आ गया -5x। तो अब देखिए 30x -30, नेक्स्ट -5x, ओके। और ये बाहर x भी था सबके साथ, अब मैं x अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x³, x² इट विल कैंसल, लेफ्ट विद द टर्म्स -8x³, हाँ जी, +25x -30=0। अब फैक्टर बनाओ, बेस्ट तरीका पता क्या होता है, फैक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपको तीन वैल्यूज दी है तीनों को टर्न बाय टर्न यहां पुट करके देखी जाओ, जो सेटिस्फाई कर रही है, एक कर गई तो मान लो टू कर गई, सपोज अगर टू कर रही है तो टू वाला अगर कोई और भी आंसर है तो दोनों को चेक कर लो, अगर एक में ही है तो फिर तो टेंशन ही खत्म है। समझ आ गई बेटा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, व्हाट इज गिवन हियर, कि अगर ये इसके इक्वल गए तो मेरे पास हो गए, इट इज रिटन देयर दैट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज 729। अब ए की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले मैं अगर देखूं इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, पावर बाहर ले सकती है ना डिटर्मिनेंट में, ठीक है, तो दैट मींस डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आ गया 9 के, यहां से डिटर्मिनेंट निकालू, हाँ जी, a² - 16 ये डिटर्मिनेंट ए है, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी बिल्कुल, a² = 25, a इज +-5, ओके। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट
ए पावर एन है तो वो पावर एन भी हो सकता है, बाहर निकल सकती है पावर। ओके जी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मेरे पास जो है इफ ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ए इज माइनस वन प्लस माइनस वन, बी डिटर्मिनेंट ए इज जीरो, सी डिटर्मिनेंट ए माइनस टू एंड डी नन। सबसे पहले तो अगर ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन ही ना आती तो कर ही नहीं पाओगे। कौन सी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होती है, कैसा ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन होती है, याद है हमने किया था ए इंटू ए ट्रांसपोज, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उन मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कहते हैं। ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है तो सच टाइप ऑफ मैट्रिसेस आर नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट से कोरिलेट करना है, मैं डिटर्मिनेंट कर दूं, डिटर्मिनेंट ऑफ वन तो वन ही रहना है ना बेटा मेरे पास। अब मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर सेपरेट कर सकती हूं, आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज सेम होता है, इसको डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर लिख सकती हूं, दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्लस माइनस वन, कौन सी ऑप्शन आएगी, ए। ओके बेटा, क्लियर। नाउ कम टू नेक्स्ट। हां जी बेटा, नाउ व्हाट इज रिटन हियर, इफ एवरी एलिमेंट, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ वैल्यू डेल्टा इज मल्टीप्लाइड बाय फाइव, ऑर्डर दिया हुआ थ्री, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होगी, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज, बता सकती हूं, अगर एक थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का मैट्रिसेस है, हर एलिमेंट को मैंने फाइव से मल्टीप्लाई किया तो जो नया डिटर्मिनेंट आया उसकी क्या वैल्यू होगी, बताइए। इतनी बार हम ये कर चुके हैं बेटा, हमने ये किया हुआ है, हम फाइव की जगह मान लेते हैं कांस्टेंट ए से मल्टीप्लाई किया, ओ कांस्टेंट के से, इसका क्या आंसर होता है, ये प्रॉपर्टी की हुई, जितना ऑर्डर होता है जिससे मल्टीप्लाई किया, फाइव पावर थ्री 125, इस डिटर्मिनेंट को उसने किससे रिप्रेजेंट किया था, डेल्टा से, आंसर। क्वेश्चन वही है, वर्डिंग में चेंज कर दिया बस, हर एलिमेंट को, इसमें भी तो हर एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होता है, होता क्या नहीं होता, अब उसने डायरेक्टली ये नहीं लिखा, उसने वर्डिंग में लिख दिया बेटा, चेंज थोड़ा हुआ कोई क्वेश्चन। ओके चलिए नेक्स्ट, मेरे पास अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम हैविंग, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, चलो बेटा कल करेंगे, बेल होगी है, वी विल डू दिस क्वेश्चन टुमारो। ओके, यहाँ पर छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत हैं, ठीक है, तो वी विल डू इट टुमारो एंड कंप्लीट इट, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।